हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास सिक्स साइंस चैप्टर सिक्स चेंजेस अराउंड अस। इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस अबाउट द सो मैनी चेंजेस इन आवर डेली लाइफ एंड वी सी द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। लेट्स बी इंट्रोड्यूस अबाउट द चैप्टर। एवरीथिंग इन हिज यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, सभी में कोई ना कोई चेंज होता है। दीज चेंजेस मे बी ऑब्जर्व बाय एट स्कूल, एट होम, इन द प्लेग्राउंड, इन गार्डन और अदर एनी अदर प्लेसेस फॉर एग्जांपल। तो ये चेंजेस आप सभी जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्कूल में, घर में, प्लेग्राउंड में, गार्डन में और भी स्थानों पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये एग्जाम्पल हैं। डे चेंजेस इंटू नाइट, जैसे कि जब हम देखते हैं कि नाइट दिन से रात हो जाती है। सीड जर्मिनेट इंटू ए प्लांट, और सीड का जर्मिनेशन एक प्लांट में हो जाता है, ये भी एक चेंज है। फ्लोर डव बिकम्स अ चपाती, और फ्लोर यानी जो आटा है, आटे को जब गूंथते हैं तो वो चपाती में बदल जाता है, ये भी एक चेंज है। मिल्क बिकम्स अ कर्ड, दूध का दही जम जाता है। आयरन गेट्स रस्टेड, लोहे में जंग लग जाती है। बलून्स गेट इन्फ्लेटेड, बलून्स फूल जाते हैं। आइस बिकम्स वाटर, आइस पानी बन जाती है। बस्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर से यानी पटाखे का बस्ट हो जाना। डाइंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े का ड्राई होना यानी सूखना, ये सभी चेंजेस हैं। ऑल दीज आर रेफरिंग टू समथिंग हैपनिंग एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट वॉज अर्लियर, हैंस इम्प्लाइंग अ चेंज। और ये सभी रिफरिंग टू सम हैपनिंग्स, कुछ ना कुछ इनमें होता है। एंड बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम वाट वॉज अर्लियर, और जो पहले था उससे कुछ ना कुछ चेंज होकर डिफरेंट हो जाते हैं, हैंस इम्प्लाइंग अ चेंजेस, इसलिए ये चेंज होता है। चेंजेस कैन ब्रिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट इन द थिंग्स अराउंड अस। चेंज हमारे जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनमें डिफरेंट टाइप के चेंज आते हैं। सम ऑफ द इफेक्ट्स ब्रॉट अबाउट अवर परमानेंट इन नेचर, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं हमारे नेचर में परमानेंट होते हैं एंड हैंस कैन नॉट बी रिवर्स, तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। हाउएवर सम इफेक्ट्स आर ब्रॉट अबाउट इन पोजिशन, शेप, साइज और स्टेट एट द थिंग्स। और जो भी है इनमें जो चेंजेस होते हैं ये उनकी पोजिशन, शेप, साइज और स्टेट को लेकर चेंजेस होते हैं। दीज इफेक्ट्स आर टेम्परेरी इन नेचर, और ये इफेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं नेचर में, हैंस कैन बी रिवर्स्ड, और ऐसे चेंजेस को हम वापस ला सकते हैं उसी अवस्था में, तो इन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। फ्यू चेंजेस टेकिंग प्लेस, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू स्टडी सम चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। इस एक्टिविटी में ये है कि कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है ए लॉग विद टाइटली फिटिंग की, अ फायर टॉन्ग, अ ट्वीजर्स, अ बर्नर और ए स्प्रिट लैम्प। ये इसके लिए मटेरियल रिक्वायर है, और इसमें मेथड है व्हेन यू एंटर द की इन की होल ऑफ ए लॉक, जब आप लॉक में के होल में की को डालते हैं, यू विल नोटिस दैट द की एंटर्स द की होल। नाउ टेक आउट द की एंड होल्ड इट एट द फायर टॉन्ग्स और ट्वीजर्स, और जब अब आप इसको जब एंटर करते हैं लॉक के अंदर की को और की होल में, अब हम देखते हैं कि की को जब हम बाहर निकालते हैं उस एंड होल्ड इन इट अ फायर टोंग, और फायर टोंग को होल्ड करते हैं, हीट द की ऑन ए बर्नर, अब की को हम बर्नर पर, की को फायर टोंग से होल्ड करके बर्नर पर रख देते हैं, और स्प्रिट लैम्प बर्नर फॉर ए 2 मिनट के लिए रख देते हैं। अगेन ट्राई टू एंटर द की इन टू द लॉक होल, फिर हम दोबारा से उसी ताले के अंदर फिर से की को डालते हैं जो बर्नर पर रखी थी। यू विल सी दैट द की डज नॉट एंटर द की होल, तो आप देखते हैं कि ये की वापस उस होल में नहीं जाएगी। अलाउ द की टू कूल एट द रूम टेम्परेचर, अब आप रूम टेम्परेचर पर कूल को ठंडा करेंगे। अगेन ट्राई टू एंटर इन टू द की होल, यू विल सी दैट द की एंटर्स द की होल, तो फिर आप दोबारा से जब ट्राई करेंगे उसमें वापस लॉक में डालने के लिए तो ये फिर चली जाती है। व्हाई डज इट हैपन ऑन हीटिंग द की एक्सपेंड, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टी की क्या थी, एक्सपेंड हो गई थी जब हमने हीट किया था उसको। एट द साइज ऑफ ए की बिकम्स बिगर देन द की होल, इट कैन नॉट एंटर इट, और जो की का साइज क्या हो जाता है, एक्सपेंड होकर बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो लॉक के
होल में एंटर नहीं कर पाता है। ऑन कूलिंग द की कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब ठंडा हो जाता है तो वो की कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड हैंस इजीली एंटर द की होल, और इस तरह से ये की होल में जाके इजीली एंटर कर लेती है। दस वी कैन कंक्लूड दैट चेंज इन द साइज और शेप टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, हाउ एवर ऑन कूलिंग द चेंज कैन बी रिवर्स्ड। एंड दीज एक्टिविटीज 2, 3 एंड 4 आर बेस्ड ऑन चेंजेस। एंड दस टू कंक्लूड वी कैन से दैट चेंजेस ऑफ मिल्क इन टू कर्ड इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इस प्रकार से हम चेंजेस को देखने के बाद जब इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे मिल्क का दही में बदलना, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल का मतलब है क्योंकि कर्ड है ना वापस मिल्क की अवस्था में नहीं आ सकता, एक बार मिल्क जब जम जाता है दही में बदल जाता है तो ये वापस मिल्क में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ए फ्यू आवर, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्लो चेंज, और दूसरे शब्दों में ये हम कहें तो ये स्लो चेंज है। फ्रॉम एक्टिविटी 1 to 4 फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। नंबर 1, सर्टेन सब्सटेंस ऑन हीटिंग और अप्लाइंग फोर्स चेंजेस इन शेप और साइज। कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम हीटिंग हीट करें या फोर्स को अप्लाई करें तो अपना शेप और साइज बदल लेते हैं। नंबर 2, सम सब्सटेंस कैन रिगेन देयर शेप एंड साइज एंड सम कैन नॉट। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अपना शेप और साइज को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते हैं। इन अदर वर्ड्स द चेंजेस इन सर्टेन सब्सटेंस इज रिवर्सिबल, वेयर एज इट्स इन सर्टेन अदर सब्सटेंस इज रिवर्सिबल। तो जो उसी अवस्था में वापस आ जाते हैं तो रिवर्सिबल चेंज हुआ, और जो यदि उसी अवस्था में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं वापस नहीं आते हैं तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज अ न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस, और यदि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चेंजेस इन एक्टिविटीज के द्वारा देखे गए। लेट्स नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। हीटिंग के द्वारा चेंजेस होते हैं, हीटिंग भी एक कारण है चेंजेस का। नंबर 1, सम ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट। व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंजेस टू वाटर, जब आइस को हम गर्म करते हैं तो ये पानी में बदल जाता है। सिमिलरली व्हेन वाटर इज हीटेड इट्स चेंज इन टू स्टीम, उसी तरह से हम जब वाटर को गर्म करते हैं तो ये स्टीम में बदल जाता है। द अबव चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन ये दोनों चेंजेस वापस उसी अवस्था में लाए जा सकते हैं, रिवर्स हैं। व्हेन स्टीम इज अलाउड टू कूल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म वाटर, क्योंकि जब हम स्टीम को ठंडा करते हैं और उसमें जब कंडेंसेशन होने लगता है तो ये वाटर की अवस्था में वापस आ जाता है। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्रीज इट फॉर्म्स आइस, और जब वाटर जम जाता है तो ये आइस की अवस्था में बदल जाता है। ऑल सच चेंजेस आर रिवर्सिबल, तो ये सभी चेंजेस रिवर्सिबल है। सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बर्न, कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। एज वी सी इन एक्टिविटी 3 द कैंडल वॉज लाइटेड एंड इट इज स्टेटेड बर्निंग, जैसा कि हमने एक्टिविटी 3 में देखा था कि एक कैंडल को जला दिया जाता है और ये बर्न होने लगती है। इट्स शेप एंड साइज ऑल्सो चेंज, इसका शेप और साइज भी चेंज होता है। द चेंजेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर एज वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल कैंडल, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है नेचर का, क्योंकि हम कैंडल को वापस उसकी ओरिजिनल अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं। थर्ड, सम ऑब्जेक्ट सिंपली गेट हॉट बट नो अदर चेंजेस टेक प्लेस, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स सिंपली गर्म हो जाते हैं बट नो अदर चेंजेस, लेकिन उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। वेन यू ड्रिंक हॉट मिल्क और कॉफ़ी फ्रॉम ए कप यू मे फील दैट कप इज हॉट, जब आप गर्म दूध या कॉफ़ी पीते हैं कप से तो आपको ये लगने लगता है कि ये गर्म है। हाउ एवर नो चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द कप टेक्स प्लेस, लेकिन कप में कोई भी कप की स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो तो गर्म रहता है तो चेंजेस नहीं होता है लेकिन स्टेट में। सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड एक्सपेंड, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि गर्म होकर फैल जाते हैं। इन एक्टिविटी 1 द मेटल की ऑन हीटिंग गॉट हॉट एज वेल एज इंक्रीज इन साइज, कन्वर्जली ऑन कूलिंग द मेटल की कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिगेन्ड इट्स ओरिजिनल साइज, जैसा कि पहली एक्टिविटी में मैंने बताया था कि एक की गर्म होकर उसका एक्सपेंड हो जाती है, मतलब उसका साइज बड़ा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाता है तो वो उसी अवस्था में वापस आ जाती है। तो ये मेटल की बनी होती है कि इसी वजह से। द आयरन पार्ट ऑफ दीज टूल्स इज प्रोवाइडेड विद एन ओवर शेप होल
विच इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज एंड देन द साइज ऑफ वुडन हैंडल आयरन पार्ट ऑफ द टूल टूल का जो आयरन पार्ट है प्रोवाइडेड विद एन ओवल शेप्ड होल प्रोवाइड किया जाता है विच इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज जो कि साइज में छोटा होता है देन द साइज ऑफ द वुडन हैंडल वुडन हैंडल की साइज से द आयरन पार्ट इज हीटेड व्हेन इट एक्सपेंड अलोंग विद द होल जब आयरन पार्ट को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाता है उस होल के साथ ही सच दैट इज बिकम बिगर एंड द साइज ऑफ द हैंडल तो ये उसकी हैंडल की साइज से ये फैलकर बड़ा हो जाता है एट दिस मोमेंट द वुडन हैंडल इज हैमर्ड इन टू द होल और इस मोमेंट में एक वुडन हैंडल को जो कि हैमर बना दिया जाता है उसी होल में उसको फिट कर दिया जाता है इट इज़ देन अलाउड टू कूल और फिर उसको हम जब ठंडा होने के लिए रख देते हैं ऑन कूलिंग द आयरन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड द हैंडल फर्मली और ठंडा होने पर आयरन ठंडा हो जाता है और ठंडा होने पर फिर वो जो हमने वुडन जो स्टिक में उसको फंसाया था तो उसमें ये फर्मली होल्ड हो जाता है इस प्रकार से हैमर तैयार हो जाता है सिमिलरली आयरन रिम्स आर माउंटेड ऑन वुडन कार्ट व्हील इसी तरह से जो वुडन की कार्ट व्हील होती है जैसा कि डायग्राम में बताया जा रहा है इसमें ये वुडन की कार्ट व्हील है इसमें भी आयरन की रिम इसी तरह से चढ़ाई जाती है टू स्टार्ट विद द आयरन रिम इज स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील क्योंकि इसमें जब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं चढ़ाने के लिए तो आयरन की जो रिम होती है वुडन व्हील से थोड़ा सा छोटी साइज का बनाते हैं द आयरन रिम इज हीटेड व्हेन इट्स साइज बिकम लार्जर जब हम आयरन रिम को गर्म करते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है देन लार्जर द वुडन व्हील और इतना बड़ा हो जाता है कि हम वुडन व्हील से भी बड़ा हो जाता है एट दिस मोमेंट इट इज स्लिप्ड ऑन द वुडन व्हील और फिर इसको हम वुडन व्हील पर चढ़ा देते हैं एट दिस मोमेंट इट इज स्लिप्ड ऑन द वुडन व्हील द कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर जब इसको हम वुडन व्हील पर रख चढ़ा देते हैं तो फिर इस पर हम ठंडा पानी डाल देते हैं और ठंडा कर देते हैं ऑन कूलिंग द आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड द वुडन व्हील टाइटली और जब ठंडा हो जाती है आयरन की रिम तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर वुडन व्हील को टाइटली पकड़ लेती है टाइटली उस पर चढ़ जाती है और वापस फिर ये निकलती नहीं।